हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट ओमवीर सिंह आज की इस नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्रिय साथियों। आज का टॉपिक ये है कि पहली पत्नी के रहते क्या दूसरी पत्नी मांग कर सकती है मेंटेनेंस की। वाइफ इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी इवन इफ मैरिज वाज नॉट लीगल। जब दूसरी पत्नी है तो मैरिज लीगल नहीं है, क्योंकि पहली पत्नी, पहली शादी ही कानून के अनुसार लीगल होती है। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको बताता हूं क्या दूसरी पत्नी मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकती है या नहीं, या उसको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं। एक मेंटेनेंस अर्थात भरण पोषण का केस कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है। कोर्ट उसमें क्या प्रक्रिया अपनाता है, ऐसा कहा जाता है कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। शादी होती है, थोड़ी समय के बाद तक तो सब ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन जब वो एक दूसरे को जान पहचान जाते हैं, एक दूसरे के पास साथ घूमना फिरना होता है, एक दूसरे के साथ बाजार जाना होता है, शॉपिंग करनी होती है, खूब घुल मिल जाते हैं, बड़े प्यार से अपना पारिवारिक निर्वाह करते हैं, प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है जब एक दूसरे को धीरे धीरे जान लेते हैं और सब धरा का धरा रह जाता है। जब पत्नी अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू कर देती है, पति एक बार लड़ाई कर ले तो इसके साथ 1 get 2 free का ऑफर चलता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो में मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो इसलिए जिससे आपका प्यार मुझे मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपना प्यार मुझे दे दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसलिए प्रिय साथियों, भरण पोषण का अर्थ होता है गुजारा पाने का अधिकार, गुजर बसर करने का अधिकार, अर्थात अन्न, वस्तु, चिकित्सा, निवास आदि की व्यवस्था के लिए पैसे देने का अधिकार। आमतौर पर भरण पोषण का शब्द निम्न धाराओं में देखने को मिलता है। निम्न धाराएं कौन कौन सी हैं? धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, दूसरी है धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट, और तीसरी है धारा 20 घरेलू हिंसा से
महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 धारा 18 से 23 तक, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 में भी भरण पोषण पाने का अधिकार है। तो मेरे प्रिय साथियों, धारा 5 में मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 जो कि अभी अभी संशोधित हुआ है, उसमें मुस्लिम बहनों को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। वैसे ये सभी धाराएं 125 में कवर हो सकती हैं, फिर भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग कानून चलते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए धारा 5 में बताया गया है, अलग अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर लें तो उन पर कौन सा कानून लागू होगा, उसमें कानून लागू होगा धारा 37 विशेष अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट। जब शादी होने के बाद पति पत्नी में आपस में नहीं बनती, आपस में मारपीट होती है, आपस में झगड़ा होता है और यहाँ तक कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, या फिर पति और उसके परिवार वालों द्वारा पत्नी के साथ मारपीट की जाती है, क्रूरता की जाती है, दहेज की मांग की जाती है या दहेज के लिए जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, ऐसी परिस्थिति में पत्नी द्वारा अपने पति व पति के परिवार वालों के साथ सास ससुर देवर देवरानी नंद जेठ जेठानी आदि के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। पत्नी द्वारा इस प्रकार के केस पति और पति के परिवार वाले के विरुद्ध किए जाते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम 498 में FIR दर्ज की जाती है, दूसरा धारा 125 में मेंटेनेंस के लिए याचिका दायर कर सकती है, तीसरा धारा 12 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में भी मेंटेनेंस पाने की अधिकारी होती है। धारा 25 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकता है, पत्नियां, एक पत्नी है या एक से अधिक पत्नी है, दोनों पत्नियां भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती हैं, या उनके बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो भी अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। नंबर 3, वृद्ध माता पिता। वृद्ध माता पिता यदि ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वह रोजगार करने में असमर्थ हैं तो वो भी अपने बेटे से भरण पोषण पाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार पत्नी पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध केस दर्ज करा सकती है। ये केस अलग अलग दर्ज होते हैं, अलग अलग चलते हैं। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में भरण पोषण केस की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार हम केस दायर करेंगे, केस दायर करने के लिए हमें नंबर 1 शादी का कार्ड लगाना होता है, नंबर 2 शादी में पति पत्नी के एक साथ खींचे हुए फोटो लगाने होते हैं, नंबर 3 पति की आय कितनी है, सरकारी सेवा में है तो उसकी सैलरी की स्लिप लाकर याचिका के साथ लगाई जाती है, और यदि उसके ससुर के नाम गांव में ज़मीन है तो उसकी खसरा
खतौनी निकलवा कर याचिका के साथ लगाई जाती है। तभी तो गुजारा भत्ता बंधेगा। जब पति की आय कितनी है, पति की संपत्ति कितनी है, वो खर्चा देने के लिए जिम्मेदार है या नहीं है, तो इन सब कागजों को उसके साथ लगाया जाता है। साथ ही पहचान पत्र, पत्नी का आधार कार्ड, पत्नी के आधार कार्ड के साथ साथ बच्चों का आधार कार्ड और जो भी पहचान वाली बातें हैं जैसे राशन कार्ड, उसमें भी पत्नी लगा सकती है। पत्नी जब केस दायर करती है तो उसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर केस फाइल कर सकती है। अगर शादी का कार्ड या शादी में दोनों के एक दूसरे के साथ खींचे फोटो नहीं लगाए तो केस दायर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, यहाँ एक चीज बताने की जरूरत यह है कि पत्नी को धारा 125 में भरण पोषण भत्ता लेने हेतु केवल तभी सारी चीजें सबमिट दायर कर सकती है और 30 दिनों के अंदर याचिका दायर करने के बाद 30 दिनों के अंदर पति को सम्मन भेजना होता है, कोर्ट में तलवाना दाखिल करना होता है। जब कोर्ट को ये सूचना मिल जाए, कोर्ट ये सूचना दे देती है कि तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में 125 CRPC में केस दायर किया गया है, तो कोर्ट उसे बुलाती है कि आप आइए, आकर देखिए आपके खिलाफ केस किया है, इसलिए हम आपको सम्मन भेज रहे हैं। साथ ही साथ पति अगर उसमें आ जाता है तो पत्नी सबसे पहले धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र कोर्ट के सामने मूव करती है और कहती है कि मेरे वकील की फीस, मेरे आने जाने का खर्च पति से दिलाया जाए। अगर पति नहीं आता है तब कोर्ट पत्नी से कहती है कि आप 3 सम्मन डाक द्वारा भेजिए और वो तब भी नहीं आए तो अखबार में प्रकाशन करवाइए। अखबार में प्रकाशन होने का मतलब ये है कि पति को उस केस की जानकारी देने के लिए, सूचना देने के लिए तामील कराए जाने के लिए प्रकाशन कराया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, अब आता है इसमें अंतिम भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण। केस के निस्तारण होने में काफी लंबा समय लगने की संभावना होती है। इस कारण केस चलने के दौरान पत्नी कोर्ट में अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र दायर कर सकती है। जब अंतरिम भरण पोषण देने के आदेश हो जाते हैं तो वह 125(3) में उसकी रकम लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक पैसे मिले। कोर्ट सबसे पहले मेरे अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र को डिसाइड करे, जिससे मेरे आने जाने का खर्च, मेरे वकील की फीस निकल सके। अगर वह अंतरिम भरण पोषण की राशि नहीं देता है तो वह धारा 70
धारा 71, धारा 72, 73 के तहत वसूली वारंट जारी करवा सकती है। तलवाने के साथ वसूली वारंट तलवाने पर लिखना होगा और वसूलने के लिए उसके पति पर वसूली वारंट भेजना होगा। जब वसूली वारंट वहां पहुंच जाएगा तो पति को सूचना पुलिस देकर आएगी कि आपका कोर्ट इस कोर्ट में केस चल रहा है, आप इतना खर्चा जो कोर्ट ने बांधा है पत्नी को दीजिए, वरना पुलिस उसको कोर्ट में पकड़ कर लाती है। अगर कोर्ट में वह खर्चा दाखिल कर देता है तो उसे पुलिस छोड़ देती है, आगे केस चलता रहता है। सबसे पहले जब पति उसमें अपीयर हो जाता है तो सबसे पहले पत्नी की एविडेंस होती है, पत्नी का साक्ष्य होता है, विपक्षी वकील उसे जिरह करता है, उसके बाद पति का साक्ष्य होता है, विपक्षी वकील उसे जिरह करता है, तब निस्तारण के लिए फाइल लग जाती है और खर्चा बन जाता है। अब प्रश्न उठता है, वाइफ इंटाइटल टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी इवन इफ मैरिज वाज नॉट लीगल। यदि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, यस, दूसरी पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, क्योंकि अधिकतर पुरुष ये देखते हैं कि अगर पहली पत्नी की संतान नहीं हुई तो वह पहली पत्नी की शादी को छुपाकर कि हमारी अभी शादी नहीं हुई है दूसरी शादी कर लेते हैं, और दूसरी शादी वो इसलिए करते हैं कि उससे संतान हो जाए और मेरा वंश चल जाए। लेकिन ये अनलीगल है, पहली पत्नी के लिए आप दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकती। अब सवाल उठता है, क्या पहली पत्नी के लिए, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल कर सकती है? तो फाइल कर सकती है, क्योंकि उसने उससे भी शादी की है, भले ही वो अनलीगल है, तो अनलीगल जो गलती की है उस गलती का हर्जाना तो वो देगा, उसका खर्चा पानी करेगा, उसके रहने की व्यवस्था करेगा, उसको चिकित्सा दवाई दारू वो सब करेगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, क्या पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकती है? तो इसका उत्तर यही है कि हाँ, वो भी पत्नी मेंटेनेंस भरण पोषण लेने की अधिकारी है। जब दूसरी पत्नी ने कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए मुकदमा फाइल किया तो खर्चा बनने के बाद पति हाई कोर्ट चला गया कि ये तो मेरी दूसरी पत्नी है, ये तो अनलीगल है, इसलिए मैं इसको खर्चा नहीं दूंगा। हाई कोर्ट ने भी उसको खर्चा देने के लिए बाध्य कर दिया कि वो आपकी पत्नी लीगल नहीं है, लेकिन उसके साथ धोखा किया है, इसलिए आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी भी खर्चा लेने की अधिकारी है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय। आप ठीक प्रकार से होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक प्रकार से होंगे, मैं भी ठीक प्रकार से हूँ। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। धन्यवाद।